योगी सरकार आने के बाद पुलिस अलर्ट है, हर छोटी गतिविधि पर नजर रख रही, लेकिन अक्सर थाने चौकियों में जनता से किसी काम को करने के एवज में पुलिस कर्मी के रिश्वत लेने जैसी घटना आए दिन सामने आती रहती है। इसी बात को लेकर गुन्नौर के विधायक अजीत उर्फ राजू ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब पुलिस किसी काम को करने के लिए पैसे नहीं लेगी, अगर कोई पुलिस कर्मी रिश्वत लेता है तो उसे मुर्गा बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, विधायक ने गरीब जनता के हक को छीनने वाले राशन डीलरों को भी चेताया है। जनता को संबोधित करते हुए वो बोले कि गांव में 50 लोग एक साथ जाए और जो राशन डीलर जनता के हक का राशन नहीं बांट रहे हैं, उन्हें पीटते हुए उनके आवास तक लाए और इसको लेकर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब आप लोग किसी भी थाने में चले जाओगे तो पैसा दोगे तो वो पुलिस वाला आपसे पैसे लेगा क्या? नहीं लेगा। लेगा क्या? उसे पता है कि अगर शिकायत हो गई तो पहले उसको मुर्गा बनाया जाएगा और मैं ब्याज के उसके पैसे वापस कराए जाएंगे। किसानों का पेमेंट आपके खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगा और शुरू हो भी गया होगा। 15 दिन से पहले पेमेंट आप लोगों का मिलना शुरू हो गया या नहीं होगा? कोई भी घटतौली आपके साथ में होती है फैक्ट्री में जाकर के, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर 4-6 किसान इकट्ठे हो और जो तुलाई करता है उसकी पिटाई करनी शुरू कर दो और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दलाली करता है उसकी स्वयं आप लोग 4-6 आदमी इकट्ठे होकर के पिटाई करनी शुरू कर दो, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। आप लोगों को रेता की जरूरत है, चाहे मिट्टी की जरूरत है, अपने लिए ये नहीं है कि जेसीबी से रोहतक खोद लो और पूरा खेत का खेत उसका खुद डालो, तो आप लोग अपने काम के लिए ले आइए, आपको कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं हो। अगर ये चीनी राशन तेल नहीं बांटते हैं, 10-20-50 आदमी इकट्ठे हो जाओ और बेईमानी करते हैं तो मुकाबला करो, वहीं पर मारते मारते हमारे पास ले आओ, कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो एक आदमी 2 लाख आदमी 3 लाख आदमियों की लड़ाई लड़ सकता है क्या?